फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर CHO स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, स्पेशली MP, UP, बिहार, राजस्थान एंड अदर स्टेट ऑफ CHO, एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर CRPF एंड हरियाणा स्टाफ नर्स। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लीजिएगा, हम वो सब क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि CHO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जैसा कि मैंने हर क्लास में यही कहा है कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग डायरेक्टली इन टू द बोन मैरो। अगर हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉन्ग घुमाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया गया है क्वेश्चन को, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि अगर आपको ड्रग देनी है किसके अंदर, डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इनकशन, इंट्रा मेडुलरी और इंट्रा पेरिटोनियल। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट क्या आंसर क्या होगा, वो फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर पुट करिएगा। इंट्रा आर्टिकुलर इनक्शन, इंट्रा मेडुलरी और इंट्रा पेरिटोनियल, फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एवरीबडी पुट राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा इंट्रा मेडुलरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल मिल्क टीथ आर इरप्टेड। आज हम लोग वो सब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, स्पेशली MP CHO। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी एज के अंदर जो मिल्क टीथ है वो इरप्टेड हो जाते हैं, ऑल मिल्क टीथ, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 2.5 ईयर। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। इन विच ईयर ऑल मिल्क टीथ आर इरप्टेड, इसका राइट आंसर होगा 2 ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल फॉर प्री प्रेंडल ब्लड ग्लूकोज फॉर दोज विच type 1 डायबिटीज मिलाइटस इज, डायबिटीज क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। द गोल फॉर प्री प्रेंडल ब्लड ग्लूकोज फॉर दोज विच type 1 डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस 1 है वो, उसके अंदर कितनी वैल्यू आ जाती है तब हम लोग उसके प्री प्रेंडल डायबिटीज मिलाइटस फर्स्ट कहते हैं, type 1 डायबिटीज मिलाइटस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेस देन 80 mg पर डी एल, लेस देन 130 mg पर डी एल, लेस देन 180 mg पर डी एल और लेस देन 6%। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा जो लेस देन 130 mg पर डी एल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड फॉर द हेड ड्रेसिंग। अगर हम लोग हेड की ड्रेसिंग करते हैं तो कौन से टाइप की बैंडेज हम लोग यूज में लेते हैं, कैपलिन बैंडेज, स्पायरल बैंडेज, टी बैंडेज और फिगर ऑफ 8। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एवरीबडी पुट आंसर, फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा। विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज फॉर द हेड इंजरी, हेड ड्रेसिंग, हेड इंजरी हो जाती है तब हम लोग हेड की ड्रेसिंग करते हैं, उस टाइम कौन सी बैंडेज हम लोग यूज में लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा कैपलिन बैंडेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए जनरल वार्ड रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड बी, एक जनरल वार्ड के अंदर नर्स पेशेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:10, 1:1, 1:6 और 1:7। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा, एक जनरल वार्ड के अंदर नर्स और पेशेंट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसका राइट आंसर होगा 1:6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो इन द ICU, ICU में कितना रेशियो होता है, हम लोगों ने जनरल वार्ड का देख लिया, अब आता है कौन सा, ICU का, 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा, आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो इन ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर क्लाइंट और नर्स का रेशियो है वो कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा 1:1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, नेचुरल सेल डेथ, अनप्रोग्रामड सेल डेथ, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबाउट।
नन ऑफ दीज। फटाफट से अपना आंसर वो पुट करिएगा। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से अपना आंसर हो कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा नेचुरल सेल डेथ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था, 1976, 1978, 1985, 1995। फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आई थिंक आपको आना चाहिए ये इसका आंसर। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था 1985 के अंदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोनेटल पीरियड एक्सटेंड अप टू। नियोनेटल पीरियड कितना होता है, अभी ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। 21 डेज ऑफ लाइफ, 30 डेज ऑफ लाइफ, 28 डेज ऑफ लाइफ एंड 35 डेज ऑफ लाइफ। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नियोनेटल पीरियड एक्सटेंड अप टू कब तक एक्सटेंड होता है। इसका राइट आंसर होगा 28 डेज ऑफ द लाइफ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले, और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ लेबर द सर्विक्स पासिस फ्रॉम फुल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द फेटस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओबीजी। ओबीजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। एवरीबडी पुट राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड स्टेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टू असेस पॉपलेटल पल्स द नर्स पालपीट। अग एक नर्स को क्या करना है, पॉपलेटल पल्स को असेस करना है तो वो कहाँ से करेगी, द साइड ऑफ नी, रिस्ट, साइड ऑफ हिप एंड बिहाइंड द नी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिएगा पॉपलेटल पल्स पूछा है तो उसके अंदर द साइड ऑफ नी नहीं हो सकता, रिस्ट के ऊपर पॉपलेटल पल्स नहीं होती है, साइड ऑफ हेड भी नहीं होती है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिहाइंड द नी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रेंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन। जो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पेनक्रियाज, लीवर, ड्यूटेनियम और स्टमक। फटाफट से अपना आंसर पुट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंट्रेंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन ए बी सी और डी। एवरीबडी पुट राइट आंसर, आंसर जरूर पुट कीजिएगा और अपना इवेल्युएशन सेल्फ करिएगा। इसका राइट आंसर होगा इंट्रेंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है स्टमक में। ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके वी विल गो फर्दर। जितना वीडियो को हो सके अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप अभी तक ऐड नहीं है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, सलाइवा, विटामिन और बाइल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंसिस्ट होती है, किससे बनी हुई होती है, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक और हिप्पोक्रेट्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक एंड हिप्पोक्रेट्स। एवरीबडी पुट आंसर, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स। ओके वी विल गो फर्दर। हु इज़ द फादर ऑफ एम्पिसलिन, एम्पिसलिन के फादर कौन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हिप्पोक्रेट्स और रॉबर्ट हुक। एवरीबडी पुट आंसर, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें, सभी अपना आंसर है वो पुट करिएगा कमेंट बॉक्स में। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हिप्पोक्रेट्स और रॉबर्ट हुक। एवरीबडी पुट आंसर। आपको कौन से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज पढ़ने हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, वो सब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर आने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने राजस्थान सीएचओ के
टेस्ट सीरीज के अंदर भी कंप्लीट किए थे। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप जो राजस्थान CHO की टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियसली, वो सब 40 से 45 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट की थी, वो क्वेश्चन भी आप जरूर देखिएगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं मध्य प्रदेश CHO का, तो वो क्वेश्चन भी आपके पॉइंट MPCHO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। और जो भी सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं डेली, वो भी ज़रूर आप देखिएगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा जो एमपी सेलिन के फादर है वो कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।